आजकल बिहार में कीचड़ उछालने की राजनीति चल रही है। आरजेडी नेता लालू यादव ने जेडीयू प्रवक्ता पर शराब पीने का आरोप लगाया, तो आज जेडीयू ने लालू के बेटे तेजस्वी की पुरानी तस्वीर जारी करके आरोप लगाए। अब तेजस्वी ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही सवाल उठा दिए हैं। जेडीयू के चार प्रवक्ताओं के हाथ में एक ही तरह की तस्वीर है। फोटो में तेजस्वी यादव के साथ दिख रही महिला का चेहरा हमने ब्लर कर दिया है। ये तस्वीर करीब 7 साल पुरानी है, लेकिन आज इसके चर्चा में आने की वजह तस्वीर में दिख रही शराब की बोतल है। असल में 2 दिन पहले लालू यादव ने आरोप लगाया कि जेडीयू के प्रवक्ता शराब पीते हैं। आज पलटवार करते हुए नीतीश की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी की ये पुरानी तस्वीर जारी कर दी और आरोप लगाया कि लालू और तेजस्वी दोनों शराब पीते हैं। शराब का बोतल है, एक लड़की के साथ ये रंगरेलियां मना रहे हैं। इसलिए लालू जी, हम लोग को बोलने के पहले अपने सुपुत्र को देखिए। शराब का सेवन हम नहीं, आप और आपका सुपुत्र करता है। इस आरोप के बाद जवाब देने की बारी तेजस्वी यादव की थी। तेजस्वी ने भी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बड़े साइज का फोटो लेकर पहुंचे और कबूल किया कि ये तस्वीर उनकी ही है। तेजस्वी के मुताबिक जब वो आईपीएल खेलते थे तब की तस्वीर है, महिला को व्यक्तिगत तौर पर नहीं जानते, आईपीएल की एक पार्टी की ये तस्वीर है। तेजस्वी यहां तक चुनौती दे रहे हैं कि अगर शराब पीने की बात सही है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करे पुलिस। अरे हम पीते तो हमको जेल में डालो ना, आपकी सरकार है हर जगह। असल में बिहार में शराब बैन है और शराब माफिया के साथ नीतीश की तस्वीर वायरल होने के बाद से राजनीति की चाल अब चरित्र हनन की दिशा में बढ़ गई है। तेजस्वी यादव दिल्ली गए तो बिहार निवास में क्यों असहज महसूस करते हैं, क्यों नहीं बिहार निवास में रहते हैं? बिहार निवास दिल्ली में वो जगह है जहां बिहार के बड़े नेता आकर ठहरते हैं। जेडीयू के सवाल पूछने का मतलब शायद तेजस्वी के चरित्र पर उंगली उठाना है। अब तेजस्वी का इस पर जवाब भी सुन लीजिए। अब कौन कहां रुकता है, इस पे चर्चा हो रही है दिल्ली में। मेरा परिवार इतना बड़ा है, 6-6 बहन है मेरी, 7-7 बहन है, 6 बहन मेरी दिल्ली में रहती है। हम लोग कहां रहते हैं किसी को पता नहीं है क्या? इस जवाब के साथ ही तेजस्वी ने सवालों की बंदूक का रुख नीतीश की ओर मोड़ दिया और नहीं कुछ कहते कहते काफी कुछ कह गए। जब मुख्यमंत्री आते तो अपना सामान बिहार भवन भिजवा देते, फिर द्वारका से जाते हैं, द्वारका से फिर गुड़गांव और पालन बिहार, तो कितनी गाड़ियां बदल करके जाते हैं, हम लोगों को नहीं पता है। तो अब हम उसकी राजनीति करेंगे क्या बैठ करके? जेडीयू प्रवक्ताओं को जवाब देते हुए तेजस्वी ने सीधा हमला नीतीश के चरित्र पर किया। तेजस्वी ने अपनी जुबान यही नहीं रोकी, वो भी इतिहास के पन्ने पलटने लगे। कि जब नीतीश कुमार जी रेल मंत्री थे तो ट्रेनों का नाम अर्चना और उपासना क्यों रखने का काम किया था? अर्चना और उपासना बल्कि रेलवे बोर्ड की मंजूरी भी नहीं थी। दर्शकों को हम बता दें कि 2005 में बिहार का सीएम बनने से पहले नीतीश केंद्र में रेल मंत्री रह चुके हैं। उस दौरान अर्चना और उपासना दोनों ट्रेनें शुरू हुई थी, लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है ये बेहतर तेजस्वी बता सकते हैं। वैसे एक बात साफ हो गई कि बिहार में राजनीति अब चरित्र पर कीचड़ उछालने तक जा पहुंची है। देखना ये है कि कौन कितना गिरता है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।